जय माता दी। विंध्यवासी शिशु में आप सबका स्वागत है। ये देखिए छोटा सा पेड़ है मेरा आम का, इसकी रेसिपी आज हम बनाएंगे। पर इस आम की रेसिपी नहीं बनाए हैं, आम खरीद कर बनाए हैं। तो आज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तभी आपको ये रेसिपी समझ में आएगी ये कैसे बना है। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बनाएंगे आम और काबली चने का अचार, जिसके लिए हम सबसे पहले आम को छील लेंगे। ये देखिए इसे छील ले रहे हैं। ये देखिए 2 किलो आम को हम छील करके और अच्छे से धो करके और कपड़े से हम पोंछ के टोकरी में रख लिए हैं। अब हम कद्दूकस की मदद से आम को हम ऐसे रेत लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम सारे आम को रेत लेंगे। ये अचार की रेसिपी बहुत ही यूनिक है, बहुत ही टेस्टी बनता है ये अचार, तो इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा। इस तरह हम सारे आम को देखिए रेत लिए हैं, इस तरह गोल गोल करके और इसे हमें दबा दबा करके इसका करीब आधा लीटर हमको रस निकाल लेना है। यहाँ देखिए हम रस निकाल लिए हैं और थोड़ा सा मेरा बच गया है। यहाँ पे हम 250 ग्राम काबली चना लिए हैं। काबली चना को धो करके और इसे हम कपड़े से पोंछ लिए हैं, जो आम का रस निकाले हैं उसी में हमको इसे डाल देना है। और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चीनी, जिसे अच्छे से मिला करके हमें धूप में रख देना है 2-3 घंटे के लिए, जिससे हमारा काबली चना अच्छे से फूल जाए। यहाँ पे जो हम रस निकाल करके रखे हैं आम का, उसको हम इसी तरह फोड़ करके और इसे हम धूप में रख देंगे सूखने के लिए। मसाले को हम भून लेते हैं गैस पे। हम पहले से पैन को चढ़ा दिए थे। 1 चम्मच हम लिए हैं मेथी दाना और 1 कप हम लिए हैं धनिया, और इसे हम मीडियम आंच पे भूनेंगे। 1 कप सौंफ डालेंगे, इसे भी 1-2 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। और 1/2 कप जीरा डाल करके हमें भूनना है, सब मीडियम आंच पे ही भूनना है। 1 चम्मच राई और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी हम डालेंगे हींग, डाल करके इसे मिला देंगे गरम मसाले में ही और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। मसाले ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें मिक्सी जार में पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं पीसना है, हल्का मोटा ही पीसना है। यहाँ पर हम 2 मुट्ठी लहसुन लिए हैं, जिसे हम दरदरा कूट लेंगे। 1/2 लीटर हम सरसों का तेल लिए हैं, जिसे मीडियम आंच पर रख दिए हैं। हल्का गर्म होगा, इसे खोलाना नहीं है। तभी हम 1/2 चम्मच हींग डाल करके गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए काबली चना को हम धूप में रख दिए थे, कितना अच्छा ये फूल गया और रस भी इसका पूरा सूख गया है। इस तरह हमको काबली चना चाहिए। आम भी देखिए मेरा सूख गया, इसे 2 घंटे के लिए धूप में रख दिए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है हमें। 3-4 चम्मच हम इसमें डाल देंगे नमक और 1 चम्मच हम डालेंगे हल्दी पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें पिसी हुई सरसों। मसाले में मिर्च पीसे हैं, इसलिए हम मिर्च 1/2 चम्मच ही डाल रहे हैं। और जो काबली चना भिंगा करके रखे थे उसको हम डाल देंगे और कूटा हुआ लहसुन 1 चम्मच डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर आता है। और जो मसाले हम पीस करके रखे हैं उसको हम डाल देंगे। यहाँ पे हम 100 ग्राम लिए हैं चीनी। चीनी को डालने से थोड़ा सा खट्टा मीठा अचार बनेगा और अचार ख़राब भी नहीं होगा। 1 चम्मच हम डालेंगे इसमें कलौंजी और 1/2 चम्मच अजवाइन। और जो तेल गरम करके हम रखे थे उसको हम इसमें डाल देंगे। तेल डाल करके हमें अच्छे से अचार को मिक्स कर लेना है। आम और काबली चने की अचार की रेसिपी मेरी सासू माँ की हैं, जो बहुत अच्छा अचार बनाती हैं। उन्हीं से हम सीखे हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहे हैं। अचार को हम मिक्स कर लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच काला विनेगर। विनेगर को डाल करके हमें अच्छे से मिला लेना है। अचार टेस्ट करने के बाद अगर लगे कि नमक मिर्च कम है तो थोड़ा सा नमक मिर्च और डाल दें। तो ये लीजिए खट्टा मीठा तीखा चटपटा काबली चना और आम का अचार बनके तैयार है। अब हम इसे एक जार में भर लेंगे। अगर मेरी अचार की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।